हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको व्यू के मोबाइल के लिए ऐसे बेसिकली सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसको यहाँ पर गैलरी के सेटिंग की मदद से आपने जो भी कैमरे का फोटो यहाँ पर खींचा है, इसको यहाँ पर इसका गैलरी से कैसे एडिट कर सकते हैं। क्योंकि व्यू के मोबाइल में आपको बाय डिफॉल्ट गैलरी मिलेंगे, इसकी मदद से आप बहुत सारे एडिटिंग वगैरह मतलब इफेक्ट वगैरह आपको दे सकते हैं और बहुत सारे काम इस गैलरी की मदद से कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक फ़ोटो ओपन किया है, आपको यहाँ पर शेयर के साइड में एक एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो सिंपली आप यहाँ पर एडिट वाले जैसे ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पर आपको फंक्शन दिखाई जिसको यूज़ कैसे कर रहा है, इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक क्रॉप का ऑप्शन मिलता है और सेकंड में आपको यहाँ पर फिल्टर मिलता है। अब यहाँ पर कौन सी फिल्टर आपको यूज़ करना है, सिंपली आप यहाँ पर इसका फिल्टर यूज़ कर सकते हैं और अपने फोटो को यहाँ पर शानदार तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको इससे थर्ड नंबर पर लाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जैसे क्लिक करें आपको बहुत सारे लाइट कंडीशन आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे और अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे लाइट ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ पर मेन लाइट इफेक्ट है, यहाँ पर नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट, इसको जैसे हम यूज़ करेंगे अपने फोटो में एक शाइनी सी लुक आ जाए, जबकि आप स्टूडियो में जैसा फोटो निकाली हो। तो इसी तरह आप यहाँ पर इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ मेन ऑप्शन दिखाई दे बताऊँगा। जैसे आप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पे जो भी फोटो रखते हैं, आप फुल साइज में फ़ोटो आपका यहाँ पर ऐड नहीं होता है, तो सिंपली इसी तरह आप बॉर्डर लगा के आपने फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर देना है और आपका व्हाट्सएप डी पी रखना है, क्योंकि आपका फुल साइज़ में फ़ोटो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप वन टैप एडजस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, अपना जो फ़ोटो है ऑटोमेटिकली यहाँ पूरा एडिट और यहाँ पर इफेक्ट लगा होता है। तो यहाँ पर आपको मैन्युअली करने के लिए एक्सपोजर ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोटो में ज़्यादा यहाँ पर ब्राइटनेस है तो आप यहाँ पर उसको कम कर सकते हैं और अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब यहाँ कुछ यहाँ पर फ़ोटो को शानदार तरीके से इफेक्ट देने के लिए थोड़ा एक्सपोजर कम करना है, ब्राइटनेस आपको थोड़ा अपने जैसे आपने आप लो लाइट कंडीशन में खड़े हो इसी तरह आपको मैन्युअली आपको ब्राइटनेस आपको एडजस्ट करना है। और यहाँ पर आपका कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ाना है, क्योंकि आपके फ़ोटो में इसी की वजह से आपकी यहाँ पर क्लियरिटी आती है। अब देख सकते हैं हम जैसे यहाँ पर फोटो क्लियर करेंगे, हमारी फ़ोटो में क्लियरिटी आ चुकी है। तो उसके बाद आप शार्पनेस नहीं बढ़ाए तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोटो यहाँ पर फटी जैसी दिखती है। तो उसके बाद आपको डार्क कॉर्नर ऐड कर देना है, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डार्क कॉर्नर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं कि पहले ऐसा फ़ोटो था, उसके बाद कुछ फंक्शन ऐड करने के बाद इसी तरह का फोटो आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा यहाँ पर ऑप्शन। अभी आपको यहाँ पर एल मेकअप का एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट के साइड में, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अभी जो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर फिल्टर दिखाई दे वो लड़की के लिए यहाँ पर फिल्टर है, इसकी मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर फिल्टर ऑटोमेटिकली दिया वो लड़की यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जेंट्स के लिए फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जैसे फेस ब्यूटी पर क्लिक करेंगे, जैसे आप ऑटोमेटिक फंक्शन पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फेस ब्यूटी एडजस्ट कर लेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ फंक्शन दिखाई देंगे, जैसे स्किन टोन, ट्रिम, स्लिमिंग फेस, इसी तरह का यूज़ करके आप यहाँ पर अपने आइज़ का एंगल चेंज कर सकते हैं, आपके सर का साइज़ बढ़ा सकते हैं, आपके नोज़ बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं कि इसी तरह आप यहाँ पर नोज़ वगैरह सब कुछ बढ़ा सकते हैं। और टचअप पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ लिपस्टिक यहाँ पर कुछ आपको सिंपली ऑप्शन मिलेंगे। स्लिम पर जैसे क्लिक करेंगे, आपने जो भी फुल साइज़ फ़ोटो यहाँ पर लिया है उसकी मदद से आप यहाँ पर कुछ भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आपकी चेस्ट बढ़ा सकते हैं, शोल्डर बढ़ा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर इसी तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह आप यहाँ पर कुछ अपने व्यू के गैलरी की मदद से यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर इसी तरह की वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।